हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों, जो आजकल नए वकील बन रहे हैं या जिनको रजिस्ट्रेशन किए हुए वकालत में आए हुए 1-2 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जब कोई वकील बनता है तो उसके दिमाग में एक ये सवाल जरूर रहता है कि हमारी वकालत कब से स्टार्ट हो जाएगी या हमको कब से अच्छा काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कब मतलब हम अच्छे वकील कहलाने लगेंगे। ये कुछ दिमाग में वकीलों के होता है जो नए वकील बन के आते हैं, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी रहता है, और शायद मुझसे एक बार ये पूछा भी गया था, किसी ने कमेंट किया था। तो आइए आज की इस वीडियो में इस बारे में थोड़ा जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्पर्स। दोस्तों, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि एक वकील की वकालत कब चलेगी, कब इसको अच्छे से काम मिलने लगेगा। अगर आप वकालत कर रहे हैं, वकालत में लगे रहेंगे, वकालत में एक आपको लंबा अच्छा खासा वक्त देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको काम मिलना स्टार्ट होता है, उसके बाद ही आपकी वकालत रंग लाती है। तो इस बात का भाई ध्यान रखिए। और शुरुआत में ही बहुत सारे बड़े केसेस नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि हाँ उनको ये बड़ा सा केस मिल गया, हमको नहीं मिला। कहीं ना कहीं एक वकील लंबा अच्छा खासा वक्त देता है वकालत में, तब उसको वकालत के क्षेत्र में काम मिलता है। देखिए, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो जान पहचान है वो होनी चाहिए, आपको आस पड़ोस में लोग जानते हों, आप वकील हैं, आप रेगुलर कोर्ट जाते हैं। अच्छा, रेगुलर कोर्ट की बात आई तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं लेकिन कोर्ट नहीं जाते हैं, और उनके घर पे लिखा हुआ है फलाने हाई कोर्ट एडवोकेट, लेकिन वो कोर्ट नहीं जाते हैं। तो ऐसे में आपके आस पड़ोसियों को या फिर रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि भैया वकील तो हैं लेकिन कोर्ट नहीं जाते हैं, तो क्या है। तो ऐसा तो नहीं कि उनके पास काम नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई वकील है पर डे कोर्ट जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास काम है, तभी वो कोर्ट जाता है, काम करता है। तो अगर आप एक वकील हैं तो आप रेगुलर कोर्ट जरूर जाइए, भले आपके पास काम नहीं है लेकिन फिर भी जाइए, वहां पर कोर्ट में जाइए, अपने दोस्त यारों से मिलिए, जिनके पास आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके पास जाइए, उनसे सीखिए। अब अच्छा, एक बात आती है यहाँ पर इंटर्नशिप करने वाली, तो आपको जब वकालत के क्षेत्र में आएंगे तो आपको जूनियरशिप करनी ही पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं, आप सोचते हैं नहीं हमारा वकालत में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी कोर्ट कहाँ पर है और कैसे क्या काम होता है, प्रोसीजर होता है, उसकी आपको जानकारी ही नहीं होगी। अब जूनियरशिप आपको बता दें कि एक अच्छे वकील के पास जूनियरशिप करिए जिनके पास अच्छा काम हो। अगर आपको सिविल के कामों में रुचि है तो कोई सिविल वकील ढूंढिए, उनके पास जाकर के आप जूनियरशिप करिए, और जूनियरशिप आप जब तक करिए जब तक आप सीख नहीं जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 6 महीने साल भर जूनियरशिप कर लिए, उनको लगा कि हम बहुत कुछ सीख गए, अब हम सेल्फ करने लगेंगे। ठीक, आप सेल्फ करने लगेंगे, लेकिन अगर आपके पास काम नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे। तो होता क्या है कि आप जब रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं तो नई चीजें सीखते रहते हैं, तो वो आपके दिमाग में रहती हैं, उनकी आपको जानकारी रहती है। लेकिन अगर आपने कोई चीजें 1 साल सीखी, उसके बाद आपने क्या किया, सीखने के बाद आप उन कामों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो समय गुजरता रहेगा तो आप उनको भी धीमे धीमे भूल जाएंगे। तो जूनियरशिप करके थोड़ा बहुत सीखिए, जानकारी इकट्ठा करिए, उसके बाद जब आपके पास छोटा मोटा काम आने लगे तो उसी से वकालत के क्षेत्र में आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। शुरुआत में आपको छोटे मोटे काम मिलेंगे, उन कामों को करने से डिनाई मत करिए, अरे ये छोटा सा काम है इसको मैं नहीं करूंगा। उन्हीं छोटे छोटे कामों को जो आप करेंगे तब आगे चल के आपको अच्छा काम बड़ा काम मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक बात और आती है कि इंटर्नशिप क्यों करें, हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, अगर आपके पास काम है जानकारी तो आप कर भी सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो काम को करने का आपको तरीका ही नहीं पता होगा, इसलिए इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जब आप वकालत की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आपसे इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपने किस सीनियर के पास में क्या सीखा है, उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। तो समझिए ये वहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर आपके कोई आस पड़ोस में कोई घटना घटित हुई है और वो आपसे सलाह लेने आ गए कि ऐसे भैया ऐसा सा मामला ऐसे में क्या होगा, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप वही क्वेश्चन अपने सीनियर के पास उठा के लेकर जाइए, उनसे बताइए, तो वो अगर आपको सलाह देते हैं तो वो बात आप जो जिसने आपसे पूछा था आप उनको बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्या उसको जानकारी देंगे, क्या आप उसको बताएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि वकालत कब रंग लाएगी, कब आपको काम मिलेगा।
एक बात तो यहाँ पर आपको और बता दें कि बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगा के, बैनर लगा के, बोर्ड लगा के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको काम मिलने लगेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल न जाने कितने लोग हैं जो फ्लैक्स बोर्ड लगवाते रहते हैं, बधाइयां देते रहते हैं। तो अगर आप सोच रहे कि हम ये लगा देंगे हर जगह पर उसके बाद हमको काम मिलने लगेगा, तो इस व्रत में मत रहिएगा, ऐसे में काम नहीं मिलता। आप चाहे जितनी अपनी ऐड दे दीजिए, अपने प्रचार करा लीजिए, लेकिन ऐसे आपको काम नहीं मिलेगा। काम आपको जब मिलेगा जब आपको उस काम की जानकारी होगी। अगर आपके पास कोई पूछने आता है तो आप उसको अच्छी सलाह देते हैं, इस प्रकार से आपको धीमे धीमे काम मिलने लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अगर वकाल के क्षेत्र में बात करें कि काम थोड़ा बहुत कम मिलने लगेगा, तो आपको बताएं कि जब आप जूनियरशिप कर रहे होते हैं तो तकरीबन आप एक साल इंटर्नशिप जूनियरशिप जब करने लगेंगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तब आपको धीमे धीमे छोटा मोटा काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके आस पड़ोसी मोहल्ले वाले जान जाएंगे, आपके दोस्त यार जान जाएंगे कि आप वकालत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम आपको मिलने लगेगा। तो उसी से आपको धीमे धीमे स्टार्टिंग हो जाएगी, और जब आप सीख जाएं तो अच्छे से आप सेल्फ भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम जूनियरशिप ही करनी है, जब आपको जानकारी थोड़ी बहुत होने लगी उसके बाद अगर आपको काम मिलने लगा है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। लेकिन जूनियरशिप से जो फायदा मिलता है वो ये होता है कि जूनियरशिप से आपको जानकारी हो जाती है कि किस मामले में क्या होता है, कैसे होता है, कब कागज कौन सा दाखिल करना होता है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जूनियरशिप करना बहुत ही जरूरी है। हर वकील, आपको बता दें कि जितने भी वकील हैं, बड़े से बड़े वकील, छोटे छोटे वकील, हर कोई जूनियरशिप करता है। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टली आ गया वकालत के क्षेत्र में काम करने लगा, ऐसा कुछ नहीं। हर किसी ने जूनियरशिप की है और लोग सीख रहे हैं और आज भी लोग सीख रहे हैं। कभी कभी कोई टेक्निकल बात अगर फंस जाती है तो जो बड़े वकील हैं वो भी अपने सीनियर के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं कि सर ऐसी सी बात है, इसमें बताइए। तो जो ये छोटे छोटे फायदे होते हैं, तो एज अ जूनियर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से आपको ये जानकारी मिल जाती है। तो जूनियरशिप करने के फायदे बहुत हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई आता भी है और आप उसको नहीं बता पाते हैं कि कैसे क्या होता है, तो वो आपके पास नहीं आएगा, चला जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपके पास आता है उसको आप सटीक जानकारी नहीं दे पाते हैं तो वो आपसे काम नहीं कराएगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अच्छा काम हमको कब मिलने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनको वकालत करते करते तकरीबन 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन उनके पास काम नहीं है। वहीं पर कोई कोई ऐसे वकील हैं जिनको वकालत के क्षेत्र में 5 साल, 6 साल या 10 साल या 2-3 साल हुए हैं, लेकिन उनके पास अच्छा खासा काम है। तो उन्होंने सीखा है, उनको जानकारी है, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बड़ा होना चाहिए, आपको लोग जानते हो, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और यहाँ पर वकालत के क्षेत्र में भाई किस्मत का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आप वकालत के क्षेत्र में हैं और आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जूनियरशिप कर रहे हैं, और करते करते आपको 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, लेकिन आपको काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे सलाह आपको दूंगा कि अगर आपको 5-6 साल हो गए हैं वकालत के क्षेत्र में, रेगुलर आप कोर्ट आ रहे हैं फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आपको वकालत छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि वकालत का जो काम होता है वो किस्मत पर डिपेंड करता है। जैसी आपकी किस्मत होगी वकालत के क्षेत्र में, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको काम मिलने लगेगा, शुरुआत से ही पता लगने लगता है। लेकिन अगर आपको 5-6 साल हो रहे, 3-4 साल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी आपको काम नहीं मिल रहा है और आपको जानकारी भी है, तो भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको वकालत छोड़ देनी चाहिए, आपको किसी और चीज की तैयारी करनी चाहिए, आपको सरकारी वकील बनने की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर 5-6 साल आपने वकालत के क्षेत्र में दे दिया है और फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, आप जहां थे वहीं हैं, तो आपको वकालत का क्षेत्र जो है वो छोड़ देना चाहिए, आपको कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। तो वकालत के क्षेत्र में अगर कोई ये सोच रहा है कि हमको काम मिलने लगे, हमको 2-3 साल हो गए काम नहीं मिल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको 4-6 साल हो रहे हैं वकालत के क्षेत्र में, आप रेगुलर कोर्ट जाते हैं फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको जानकारी भी है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई क्षेत्र दूसरा अपनाना चाहिए। क्योंकि 5-6 साल थोड़ा लंबा समय होता है, और इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं हासिल हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रैक चेंज कर देना चाहिए। हो सकता है कि इस क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिली, किसी और क्षेत्र में आप जाएं वहां पे आपको सफलता मिल जाए। और वैसे भी आपको बता दें कि जब कोई एलएलबी की पढ़ाई कर लेता है उसके बाद अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी निकलती हैं जहां पर एलएलबी की डिग्री मांगते हैं, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, उस क्षेत्र में आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। लेकिन ये कह पाना कि हमारी वकालत कब चलने लगेगी, ये इस सवाल का जवाब आपको कोई भी नहीं दे सकता। आपको खुद अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि इतना समय हो गया है
अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक वकील जब वकालत करता है, जब वो 2-3 साल वकालत के क्षेत्र में देता है, तो कहीं ना कहीं उसको छोटा मोटा काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा, आप परेशान हैं और रेगुलर आप कोर्ट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वकालत का क्षेत्र छोड़ के कोई और क्षेत्र को आपको अपनाना चाहिए। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।